उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी के भाई को भी काबू कर लिया है। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी हरिराम मुख्य आरोपी रक्षपाल का भाई है। जमीन को लेकर हुए ट्रिपल मर्डर में बनाई गई वसीयत का गवाह भी है। गौरतलब है कि आश्रम बनाकर रह रहे साधु हरिदास, उनके पुत्र नेतराम और एक साधी मीरा दास का शव ईंट पत्थरों से कुचला हुआ 31 अगस्त को आश्रम से बरामद हुआ था। ट्रिपल मर्डर में साधु साध्वी और उनके पुत्र की हत्या के बाद इस सनसनीखेज वारदात को लेकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजे जोन ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करके पुलिस को इस पूरे मामले को खंगालने के निर्देश दिए थे। ट्रिपल मर्डर के सनसनीखेज मामले के बाद पुलिस ने 36 घंटे के अंदर आश्रम में हुए इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आश्रम में रहने वाले हिस्ट्री शीटर, शिष्य, उसके साले और एक दोस्त को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने आश्रम और आश्रम की 48 बीघा जमीन के लालच में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि शिष्य रक्षपाल साल भर पूर्व ही इस आश्रम से तब जुड़ा था जब वह पिछले साल पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद रक्षपाल अपने एक रिश्तेदार के जरिए आश्रम में पहुंचा और उसके बाद आश्रम में रहने वाले साधु हीरा दास का शिष्य बन गया। साधु पर विश्वास जमाकर वह आश्रम की 48 बीघा जमीन पर खेती करने लगा। इस बीच आश्रम के संचालक साधु हरिदास को उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी हुई तो उन्होंने उसे हटाने का मन बना लिया। इसके बाद रक्षपाल ने पूर्व में अपने साथ जेल में बंद रहे राजीव और अपने साले संजय के साथ मिलकर साधु को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। बताते चले कि बीते माह की 31 अगस्त की रात्रि हरदोई के ग्राम कुआमऊ में हुए ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी रक्षपाल के भाई हरिराम को भी थाना टडियामा पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा व कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी हरिराम मुख्य आरोपी रक्षपाल का भाई है। जमीन को लेकर हुए ट्रिपल मर्डर में बनाई गई वसीयत का गवाह भी है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। खुलासा का मामला सामने है, क्या है पूरा मामला, कैसे क्या खुलासा किया जा रहा है? ये प्रकरण खुलासा पहले ही हो चुका था। ट्रिपल मर्डर हुआ था टनियावा थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को। उसमें जो मुख्य अभियुक्त रक्षपाल है, ये उसके भाई हैं हरिराम, और इनके द्वारा एक फर्जी वसीयत रक्षपाल के नाम से बनवाई गई थी, जिसमें बाबा की या जो मृतक हैं उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया था। उनके लगभग 45 से 48 बीघे जमीन थी। उस वसीयत को इन्होंने मिल करके कुछ लोगों के साथ तैयार कराई थी और उसमें ये मुख्य गवाह है वसीयत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.